कोरोना वायरस के चलते ऑस्ट्रेलिया में होने वाला T20 वर्ल्ड कप स्थगिति के रास्ते पे है। यह टूर्नामेंट अक्टूबर नवंबर में होने वाला था, लेकिन अभी के हालात देखते यह टूर्नामेंट होने के चांस कम दिखाई दे रहे हैं। 28 मई को ICC की मीटिंग होने वाली है और इसमें यह घोषणा हो जाएगी। ICC और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इनमें यह बैठक होने वाली है और यह टूर्नामेंट 2022 तक स्थगित हो सकता है, ऐसे ICC के सूत्रों से मालूम चला है। T20 वर्ल्ड कप रद्द होने की ज़्यादा संभावना है और गुरुवार को होने वाली मीटिंग में इसकी ऑफिशियल घोषणा हो जाएगी। लेकिन यह बुरी खबर के बीच भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है, वो ये है कि T20 वर्ल्ड कप स्थगिति के घोषणा के बाद अक्टूबर नवंबर में BCCI IPL लेने का विचार कर सकती है। 29 मार्च से लेकर 24 मई 2020 तक IPL का टूर्नामेंट होने वाला था, लेकिन लॉकडाउन के चलते इसे आगे लिया गया है। लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ने के कारण BCCI ने अगले सूचना तक यह लीग स्थगित करने का निर्णय लिया है। लेकिन BCCI ने IPL का 13वां सीजन 25 सितंबर से 1 नवंबर के बीच लेने की तैयारी कर रही है और अभी T20 वर्ल्ड कप रद्द होने की वजह से BCCI का रास्ता खुला हो सकता है। एक तरफ ऐसी भी खबर आ रही है कि फरवरी-मार्च 2021 में T20 वर्ल्ड कप खिलाने का विचार चालू है और उसके बाद और IPL का 14वां सीजन होगा। IPL का 13वां सीजन अक्टूबर नवंबर में यदि होता है तो 6 महीने के बाद ही क्रिकेट फैंस को IPL के और दूसरे सीजन का यानी 14वें सीजन का आस्वाद लेने को मिलेगा।